नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम पॉलिटी लिस्टिंग के पार्ट 4 को देखने वाले हैं। अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं तो आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद इस पार्ट को करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। चलिए देखिए, इंतरिम गवर्नमेंट 1946 यानी कि अंतरिम सरकार 1946 में किस मेंबर को कौन सा जो है विभाग दिया गया था, तो यहाँ पर वही पोर्टफोलियो हेड की बात की गई है। जैसे जवाहरलाल नेहरू को आप देखेंगे वहां पर क्या थे, वो देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे, परिषद के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, गृह और सूचना प्रसारण उनके अंतर्गत था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इन्फॉर्मेशन बोर्ड कास्टिंग था उनके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि उनके अंतर्गत ये विभाग था। वहीं आप देखेंगे जगजीवन राम जो थे लेबर, उनके अंतर्गत श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह का देखेंगे डिफेंस रक्षा का विभाग वो संभाल रहे थे। सीएच भावा का आप अगर देखते हैं तो कार्य माइंस एंड पावर्स यानी कि कार्य खान और ऊर्जा उनके अंतर्गत था। लियाकत अली खान के अंतर्गत के पास फाइनेंस था। वहीं आप देखेंगे असफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट। इसके बाद आप देखते हैं जोगिंदर नाथ मंदा जो थे उनके अंतर्गत क्या था, मंडल के अंतर्गत उनके पास क्या था, लॉ था यानी कि विधि का जो है विभाग उनके पास था। तो यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना था 1947 में, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, किसके किसके पास कौन कौन सा विभाग था। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर का था उनके पास, ठीक है। विदेशी मामले राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ वही राष्ट्रमंडल, रिलेशन साइंटिफिक रिसर्च इसमें वैज्ञानिक शोध, देखिए जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भी वैज्ञानिक शोधों पर बहुत विशेष ध्यान दिया करते थे, तो साइंटिफिक रिसर्च जो था वो विभाग उनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास यहाँ पर आप देखें गृह प्रसारण राज्यों के मामले जो था वो उनके अंतर्गत आता था। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य कृषि उस वक्त उनके अंतर्गत था। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा उनके विभाग जो था उनके अंतर्गत आता था। जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, आर के सन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, आर के षणमुगम शेट्टी जो थे उनके अंतर्गत फाइनेंस आता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, भीमराव अम्बेडकर के लॉ विभाग उनके अंतर्गत था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। वहीं सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस था। इसके बाद सी एच भावा के पास आप देखिए कॉमर्स था। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज था, उनके पास उद्योग और आपूर्ति था। बी एन गाडगिल के पास क्या था, वर्क्स माइंस एंड पावर्स, दैट मीन्स कारखान और ऊर्जा उनके अंतर्गत आता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा एक नोट दिया गया, इसको देख लीजिए। द मेंबर ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट वर मेंबर ऑफ द विक्ट्रीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें क्या था कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वाइस राय की कार्यकारी परिषद के भी सदस्य थे और वाइस राय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू वॉज डिजाइनेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, दैट मीन्स लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष वहां पर बनाया गया था। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब भारत का जो संविधान बना था उस वक्त कौन कौन से सभा सत्र हुए थे, वो सारे सत्र आपको दिए गए। हम देखिए यहाँ पर कुछ कुछ सत्र देखते हैं, जैसे फर्स्ट सेशन स्टार्टिंग है 2-3 सत्र आप देख सकते हैं और लास्ट में जैसे कौन कौन से वो देख लीजिए। फर्स्ट सेशन कब, 9 दिसंबर 1923 को 1946 में पहला सेशन हुआ। सेकंड सेशन हमारा जनवरी 1947 में हुआ। थर्ड सेशन हमारा अट्ठाईस अप्रैल से 2 मई तक 1947 में हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि सिक्स सेशन का वो जनवरी 1948 में हुआ। वहीं आप देखते हैं कि 8th सेशन का वो हमारा मई से जून के बीच में 1949 में हुआ। वहीं आप देखिए 10th सेशन हमारा का हुआ, ये भी अक्टूबर 1949 में हुआ। 11th सेशन आप देखेंगे नवंबर, लास्ट हमारा ये सेशन हुआ था जो नवंबर 1949 में 14 से 26 जनवरी के बीच में हुआ। इसके बाद असेंबली मेट वंस अगेन 24 जनवरी 1950 व्हेन द मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक बैठी जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है।
आइए अब इसमें कह रहा है ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब कब हुआ, किससे निकलकर उनका एक नया राज्य बनाया गया, उनको वो किस ईयर में हुआ, यहाँ पर मोटी मोटी चीजों को ध्यान रखना है। बेसिकली कुछ कुछ चीजों को स्पेशली हम स्पेशली देखेंगे जो हम अधिकतर देखते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर राज्य दिया गया है, उनका फॉर्मेशन गठन वर्ष दिया गया और गठन से पहले जो थे उन राज्य का क्या दर्जा था। जैसे आप आंध्र प्रदेश देखेंगे तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ तो 1953 में, ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मद्रास का था, वो मद्रास राज्य का हिस्सा था। गुजरात देखेंगे 1960 में अलग राज्य का गठन हुआ है, बॉम्बे राज्य का जो था वो एक हिस्सा था। मध्य प्रदेश 1956 में आप देखेंगे कि मध्य प्रांत, यहाँ पर देखिए द सेंट्रल प्रोविजन एंड द पार्ट ऑफ बरार, इसके बाद देखेंगे बरार का हिस्सा, मकराई का रियासत, मकराई की रियासत और पूर्वी राज्य का एजेंसी की रियासतें था पहला ये, फिर अलग बनके मध्य प्रदेश 1956 में बना। बिहार 1912 में पार्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस एंड ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, इसमें मतलब कि इसमें क्या था, बिहार जो था बंगाल प्रांत का हिस्सा, ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, बाद में 1912 में अलग राज्य बना, 1912 में बिहार बना। उत्तर प्रदेश देखेंगे 1950 में अलग राज्य बना जो यूनाइटेड प्रोविजंस यानी कि यहाँ पर क्या था, संयुक्त प्रांत का हिस्सा था एक, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र 1960 में पार्ट ऑफ द मुंबई था, बाद में 1960 में राज्य बन गया अलग से। फिर आप देखते हैं हरियाणा 1966 में पार्ट ऑफ पंजाब था, फिर हरियाणा बन गया 1966 में एक अलग राज्य। कर्नाटका 1956 में था, 1956 में जो है वो इसका राज्य बना, कौन सा, कर्नाटका। कैसे देखिए कहाँ कैसे पहले क्या था, ये मैसूर राज्य का गठन जब 1953 में हुआ था जिसकी सीमा 1956 में बढ़ा दी गई थी, फिर 1973 में मैसूर को कर्नाटक का नाम दे दिया गया। क्या है, 1956 में मैसूर को जो है 1973 में विच वॉज रिनेम्ड इन 1973 में इसको कर्नाटक का नाम दे दिया गया था मैसूर को, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें 1973 में बेसिकली इसको जो है इसका नाम दिया गया था। चलिए इसमें देखते हैं हिमाचल प्रदेश 1971 में एक अलग राज्य बना, पहले यूनियन टेरिटरी था। मणिपुरी त्रिपुरा देखिए 1972 में अलग राज्य बना, पहले यूनियन टेरिटरीज थे। इसके बाद आप देखते हैं मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, इन सब के बारे में लिखा। जैसे मिजोरम 1987 में अलग राज्य बना, तो पहले क्या था डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टिल 1972 एंड यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1972 टू 1987। दैट मीन्स आप मिजोरम में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 1972 तक असम का जिला था, फिर 1972 से लेकर 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया ये, क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में पहले यूनियन टेरिटरी था, फिर एक अलग राज्य बन गया, ठीक है, अब चीजें समझ आ रही है ना। इसका उत्तराखंड देखिए 2000 में अलग हुआ था ना उत्तर प्रदेश से, फिर ये अलग राज्य बन गया था। छत्तीसगढ़ भी 2000 में अलग हुआ था, किससे, मध्य प्रदेश से। झारखंड देखेंगे 2000 में नया राज्य का गठन हुआ इसका, किससे, बिहार से निकला था झारखंड, ठीक है। तेलंगाना देखेंगे लेटेस्ट में अगर देखें 2014 में आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, फिर तेलंगाना 2014 में एक अलग राज्य बन गया। लद्दाख 2019 में पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर था, फिर जम्मू एंड कश्मीर 2019 में एक अलग यूटी और राज्य जो है वो बन गया, ठीक है। चलिए अब नोट यहाँ पर क्या दे रहा है कि इसमें क्या लिखा है, गोवा पुडुचेरी दादर नागर हवेली एंड सिक्किम वर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ये सब जो बताए गए हैं यहाँ पर मेंशन किए गए ना, वो स्वतंत्रता के समय पर यहाँ पर जो है पार्ट नहीं थे इंडिया का, ठीक है। फिर गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज ऑक्यूपाइज ऑक्यूपेशन इन 1961, फिर क्या हुआ कि गोवा पुर्तगाली कब्जे से 1961 में मुक्त हुआ। और पुडुचेरी सहित जिसने कौन कौन से नाम लिखे, कराईकल माही हो गया, यानम हो गया, ये 1954 फ्रांस द्वारा भारत को स्थानांतरित कर दिए गए थे ये सारे, ठीक है। इसके बाद दादर नागर हवेली हो गया और इनको 1954 में पुर्तगाली कब्जे से मुक्त करा लिया गया था। और सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1974, यानी कि सिक्किम जो है 1974 में भारत का एक हिस्सा बन गया था, क्लियर है। देखिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री क्विज मिलेंगे, फ्री पिक्चर्स मिलेंगे, फ्री आपको वीडियोस मिलेंगे। इस तरह से आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सकता है। हमारे YouTube चैनल जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड रिस्पेक्टिव स्टेट। देखिए यहाँ पर अंतर्राज्यीय जो जल विवाद हुए थे उनके न्यायाधिकरण और उनके स्थापित वर्ष और उनसे संबंधित राज्य, जो विवाद जल विवाद न्यायाधिकरण हुए थे वो कब हुए, स्थापना कब हुई उनकी और उसमें कौन कौन से राज्य जो है वो इन्वॉल्व थे, स्टेट इन्वॉल्व की बात कर रहा है, ठीक है।
देखिए, इसको शुरू करने से पहले आपको छोटी सी चीज यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हुआ था वो हमारे किस आर्टिकल में देखा गया है, 262 में टू पार्ट्स थे, जैसे 262(1) एंड 262(2) है, जिसमें अंतर्राज्य नदी यानी कि इंटर स्टेट रिवर वाटर विवादों के समाधान से संबंधित कुछ प्रोविजन्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें प्रोविजन्स में क्लॉज अलग अलग, जैसे 262(1) क्या कहता है, 262(2) क्या कहता है, इस तरह की चीजें इसमें दी गई थी। तो यहाँ पर ये क्या पता चला आपको, 262 के अंतर्गत अंतर्राज्य नदी जो विवाद है उससे रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। चलिए अब देखते हैं, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल हुआ था, न्यायाधिकरण एक हुआ था, 1969 में ये स्थापना वर्ष था इसका, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसमें स्टेट इन्वॉल्व थे। वहीं गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल देखेंगे 1969 में हुआ था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे। वही नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स और ट्रिब्यूनल्स देखेंगे 1969 में ये भी हुआ था स्थापना इसका, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हुए थे। वही देखेंगे 86 में रावी एंड ब्यास वाटर जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था उसको स्थापित किया गया था, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसमें लिप्त थे। इसके बाद देखेंगे 2004 में आप देखते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल्स है टू, उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इसमें जो थे इन्वॉल्व थे, राज्य इस ये राज्य जो है वो इस ट्रिब्यूनल्स में इन्वॉल्व थे। फिर देखेंगे यहाँ पर किसका दिया गया, वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 में इसका स्थापना था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसमें इन्वॉल्व थे। वहीं महानदी वाटर डिस्प्यूट 2010 में गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, महादाई जो है महानदी था ये महादाई 2018 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए यहाँ पर जितने भी ये आपको ट्रिब्यूनल्स दिए गए, ये सिर्फ ट्रिब्यूनल्स नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सब जो नदियों के नाम दिए गए ना, इससे ये पता चलेगा कि किस राज्य में कौन सी नदी है। इसके साथ साथ आप देखिए ज्योग्राफी का भी एक हिस्सा छोटा सा तैयार कर सकते हैं ना, जैसे कृष्णा नदी कहाँ है, गोदावरी नदी कहाँ है, नर्मदा कहाँ है और रावी कहाँ है, ठीक है, कृष्णा वाटर कहाँ पर है, कृष्णा जल नदी कहाँ पर है। तो इस तरह से आपका ना ज्योग्राफी में, इसके साथ साथ आप ज्योग्राफी को भी देख सकते हैं, लोकेशन चाहिए कहाँ कहाँ पर है, किस किस राज्य से बहती है, ये सब चीज़ें देखिए एक साथ मिलकर किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो मजेदार लगता है और समझ में भी बेहतर आता है। चलिए अब हम किसके बारे में देखते हैं, जोनल काउंसिल्स, दैट मीन्स हम क्षेत्रीय परिषदों पर एक नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्षेत्रीय परिषद क्या है उसको समझते हैं। देखिए क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल्स होते क्या, उनका उद्देश्य क्या है कि राज्यों के बीच में पारस्परिक संवाद को कायम करना और राज्यों के आपसी विवाद को जो है अपने स्तर पर या अपने लेवल पर सुलझाने का प्रयास करना होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जोनल काउंसिल्स होते हैं वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि वो सांविधिक निकाय है यानी कि स्टैचुरी बॉडी है। आप हमें बताइएगा संवैधानिक और सांविधिक जो वो होते हैं निकाय, वो डिफरेंस क्या होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैचुरी बॉडी क्या होते हैं। तो क्या हुआ है कि ये स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि इसका गठन संसद के एक्ट के तहत किया गया है, इसलिए ये एक स्टैचुरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय है। वहीं आप देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 के भाग 3 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया और इसे जो है इन क्षेत्रों में इसको जो है बांटा गया। चलिए अब हम वो सारे क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे नॉर्दर्न जोनल को, मतलब कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं इसके बाद आप देखते हैं इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। फिर सेंट्रल जोनल काउंसिल कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद में इसका जो है वो मुख्यालय है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, मुंबई में इसका मुख्यालय है। साउदर्न जोनल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, चेन्नई में इसका मुख्यालय है। नॉर्दर्न ईस्टर्न जो काउंसिल है, उत्तर पूर्वी काउंसिल में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इसका मुख्यालय शिलांग में। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ अलग से प्रावधान भी लिए गए, जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली यहाँ पर कि उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब जो है वो क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं है क्योंकि इनकी विशेष समस्याएं हैं, उनको देखने के लिए पूर्वी परिषद द्वारा इनको उनकी देखभाल के लिए जो है पूर्वी परिषद के द्वारा की जाती है जिसके तहत इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी परिषद जब 1972 जो है वो इसी के तहत है, लेकिन द स्टेट ऑफ द सिक्किम हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाइड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2002 नोटिफाइड ऑन 23 दिसंबर 2002। यानी कि सिक्किम राज्य को उत्तर पूर्वी परिषद में ही शामिल किया गया। फिर आप देखते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसमें क्या दिया गया है कि जो संशोधन अधिनियम 2002 को है, 23 दिसंबर 2002 को अधिसूचित यहां पर कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कितनी क्या सीटें जो है रिजर्व
रिजर्व की गई है, यहाँ पर हमें उन चीजों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक लोकसभा के बारे में जान लीजिए, किस आर्टिकल में कैसे क्या चीजें दी गई। देखिए लोकसभा को बेसिकली अगर आप देखते हैं तो लोकसभा के बारे में क्या देखते हैं कि ये आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें जो है अभी वर्तमान में देखेंगे आप तो मिनिमम मैक्सिमम कितने 545 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। वहीं आप देखते हैं कि लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। या हम देखते हैं इसमें कि चुनाव पद्धति प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर हम देखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होती है, चुनाव जो है जनता के द्वारा होता है। और इसमें समानता 5 ईयर्स के लिए अगर राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी इसका विघटन कर सकता है, ठीक है। विशेष स्थितियों में कार्यालय को बढ़ाया कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें वही है कि इसके व्यक्ति के में क्या क्या है जो क्वालिफिकेशन, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए, संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली गई हो। आपको मैंने अनुसूचियां भी पढ़ाई है, अगर आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। इत्यादि चीजों का जो है उसको लोकसभा के बारे में यहाँ पर बताया गया, मोटी मोटी चीजें यहाँ बतानी है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है, टॉप 5 स्टेट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो है वो लोकसभा कहाँ पर है, हमारे यूपी में है 80 है। इसके बाद महाराष्ट्र में आप देखेंगे महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल में 42 है लोकसभा सीट्स मैक्सिमम, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39। यहाँ पर टॉप 5 स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स कर रहा है। स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कहाँ पर मैक्सिमम नंबर सीट्स है लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में 17 शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कहाँ पर सबसे ज्यादा है लोकसभा में सीट्स, मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में कितनी है 6 सीट्स है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिहार हैज अ टोटल 40 लोकसभा सीट्स, 40 लोकसभा सीट्स आउट ऑफ 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड इसके पास जो है कोई भी लोकसभा ट्राइब्स के लिए कोई भी यहाँ पर सीट बिहार में नहीं है। देयर आर टोटल 80 लोकसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश, इसमें से 17 लोकसभा सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और यहाँ पर देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं, कहाँ यूपी में बात कर रहे हैं। अभी लिस्टिंग इसकी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। टोटल 5 लोकसभा सीट्स इन उत्तराखंड में है, इसमें से 1 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और इसके लिए किसकी बात कर रहा है, जो ट्राइब्स है शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए कोई भी सीट्स यहाँ पर रिजर्व नहीं है। यही चीज नीचे पढ़नी है, जैसे यूपी में मैंने बता दिया, महाराष्ट्र में देखिए 48 है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 4 है। इसमें वेस्ट बंगाल में देखिए 42 सीट्स है लोकसभा में टोटल, इसमें 10 जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, 2 यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स है। यहाँ बिहार में मैंने आपको बताया, जैसे तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट्स है, इसमें 7 जो है वो एससी के लिए है, एसटीस के लिए यहाँ पर 0 सीट है, ठीक है। मध्य प्रदेश का अभी बताया मैंने, कर्नाटका में जैसे देखिए 28 टोटल लोकसभा सीट्स है और 5 जो है वो एससी के लिए, 2 एसटीस के लिए है। देखिए जिनके बारे में ऊपर बता चुके उनको क्या रिपीट करना है ना, तो यहाँ पर वही है कि आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं टोटल, इसके बाद 4 सीटें यहाँ पर एससी के लिए, 1 सीट यहाँ पर एसटीस के लिए। राजस्थान में टोटल 25 सीटें, 4 सीटें एससी के लिए और 3 सीटें एसटीस के लिए। वहीं तेलंगाना, केरला और झारखंड में आप देखते हैं, केरला में जो है 20 सीट्स हैं टोटल, जिसमें 0 सीट्स जो है एसटीस के लिए, जो कि एससी के लिए 2 सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं असम, असम का भी देखा है इसमें क्या लिखा है, असम में टोटल 14 सीटें, 1 सीट एससी के लिए है, जबकि एसटीस के लिए आप यहाँ पर देखेंगे क्या चीज है, एसटीस के लिए जो है एसटीस के लिए यहाँ देखेंगे 2 सीटें, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे कर देती हूँ, वो मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद पंजाब में 13 सीटें 4 एसटीस के पास है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर 0 सीट्स हैं। वहीं हरियाणा का भी देखा ही था हमने, उत्तराखंड का भी, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं टोटल, उसमें से 1 एसटीस के पास है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर 0 सीट है एसटीस के लिए इनके पास, गोवा में 2 सीटें इसमें भी 0 है, और गोवा में देखेंगे जो एसटीस के लिए है उसमें भी 0 सीट्स है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 सीट्स है जिसमें से जो है इन दोनों में ही 0 सीट्स है इसकी। मेघालय में 2 सीट्स है इसमें भी 0 सीट्स है। मेघालय में देखिए, माफी चाहती हूँ, मेघालय में यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 0 सीट्स है एससीज के लिए, जबकि एसटीज के लिए आप देखते हैं मेघालय में 2 सीट्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरा में 2 सीट्स है यहाँ पर, इसके बाद त्रिपुरा में जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि 0 सीट्स है इनके पास, लेकिन आप वहीं देखते हैं कि एसटीज के लिए इनके पास 1 सीट है। मिजोरम में यहाँ पर 1 सीट है और यहाँ पर भी जो है इनके पास 1 सीट है इसके लिए, एसटीज के लिए 0 सीट्स। यहाँ पर नागालैंड में 1 सीट है जिसमें से यहाँ पर भी 0 सीट्स हैं, कि यहाँ पर भी 0, मतलब एससी और एसटी की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सिक्किम में यहाँ पर 1 सीट है और यहाँ पर भी इनकी 0 सीट है, यहाँ पर भी, यानी कि एससी और एसटी में जो है इनकी 0 सीट्स है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो किस तरह से क्या है, जो
हमारे शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए कितनी क्या सीट्स रिजर्व है, सिर्फ स्पेशली अभी तक हमने स्टेट्स की बात की, अब हम यूटीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में 7 सीट्स है, इसमें से एक शेड्यूल कास्ट के लिए, 0 है इनके ट्राइब्स के लिए। जम्मू कश्मीर में 5 इसमें है, 0-0 इसमें कोई सीट्स ही नहीं है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इसमें 1 सीट है लोकसभा की, इसमें 0 है दोनों में। चंडीगढ़ में भी 1 सीट है लोकसभा की, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में 0 सीट्स है। दादर और नागर हवेली में 2 सीट्स है टोटल और इसमें 0 सीट्स है एसटीज में, क्योंकि अब एसटीज में देखेंगे तो एसटीज में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 0 है। लक्षद्वीप में 1 सीट है लोकसभा की, यहाँ पर दोनों में 0 सीट है। पुडुचेरी में 1 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर 0-0 सीट है। यहाँ पर लद्दाख में भी 1 सीट है और एससी एसटी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें। देखिए अब विधानसभा और विधान परिषद की सीट्स के बारे में यहाँ पर डिवीजन दिया गया है कि किस राज्य में जो है वो विधानसभा ही है, किस राज्य में दोनों है, किस राज्य में मतलब कि यहाँ बेसिकली क्या है। विधानसभा विधान परिषद की सीटों के बारे में यहाँ पर डिवीजन दिखाया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, कहाँ पर दोनों सदन है, कहाँ पर सिर्फ एक ही सदन है, ये भी हमें इससे पता चलेगा कितनी क्या सीटें हैं टोटल किस किस राज्य में, जो स्पेशली इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखिए विधानसभा जो है हमारे अनुच्छेद 177 किसके 170 में, यहाँ पर आर्टिकल 170 के अंतर्गत आता है विधानसभा हमारा। वहीं आप देखते हैं विधान परिषद जो हमारी है वो आर्टिकल 171 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे ना, विधान परिषद आर्टिकल 171 के अंतर्गत। इसके बाद आप देखते हैं कि विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर वही चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए टोटल कितनी सीटें हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के, जो हमारी इसमें विधानसभा विधान परिषद की टोटल देखिए लोअर में है, लोअर हाउस में 4121 है, अपर सीट्स कितनी है 426 है। टोटल देखिए पूरे भारत में कितनी है 4547 टोटल सीट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यूपी में देखते हैं कि यहाँ पर द्विसदनीय है, ठीक है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों है। यहाँ पर लोअर हाउस में देखेंगे 403 सीट्स है यहाँ पर, और अपर हाउस में देखेंगे 100 सीट्स है, यानी कि टोटल यूपी में कितनी सीट्स है 503 सीट्स है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में देखिए यहाँ पर क्या है, एक सदनीय है यहाँ पर, तो 294 सीट्स है, यानी कि एक सदन है, तो यहाँ पर सिर्फ लोअर हाउस की बात की जा रही है, अपर हाउस नहीं है, इसलिए यहाँ पर टोटल 294 सीट्स है। ठीक है, इस तरह से देखना, जहाँ पर है ही नहीं तो वहाँ पर टोटल भी उतना ही होगा। महाराष्ट्र में क्या है, द्विसदनात्मक है वहां पर सदन, ठीक है, यहाँ पर क्या है 288 सीट्स है लोअर हाउस में, अपर हाउस में 78 है, इसलिए टोटल यहाँ पर 366 है। बिहार में देखिए यहाँ पर भी द्विसदन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 243 सीट्स है लोअर हाउस में, अपर हाउस में 75 है, टोटल 318 सीट्स है यहाँ पर। इसके बाद मध्य प्रदेश में देखेंगे यहाँ पर एक सदन है, तो 230 सीट्स है लोअर हाउस में, इसलिए टोटल भी 230 है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि द्विसदन है, कर्नाटका में 224 सीट्स है, यहाँ पर लोअर हाउस में 224 सीट्स है, अपर हाउस में आप देखेंगे 75 सीट्स है, इसलिए यहाँ पर टोटल 299 सीट्स हो गई। राजस्थान में क्या है, एक सदनीय है, तो यहाँ पर लोअर हाउस में 200 सीट्स है। गुजरात भी जो है एक सदनीय है, यहाँ पर भी 182 सीट्स है लोअर हाउस में। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो दो सदनीय है, तो यहाँ पर लोअर हाउस में 175, अपर हाउस में 58 सीट्स है, टोटल कितनी सीट्स है यहाँ आंध्र प्रदेश में 233 सीट्स है। हरियाणा में देखेंगे एक सदनीय, यहाँ पर लोअर हाउस में जो है वो 90 सीट्स है, और यहाँ पर देखेंगे कि अपर हाउस में जो है ना यहाँ पर एक भी सीट नहीं है, यहाँ पर भी एक सदनीय है। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ 85 सीट्स है, यहाँ पर भी अपर हाउस में कोई सीट्स नहीं है क्योंकि एक सदनीय है ना यहाँ। इस पे ध्यान दीजिए, ये ध्यान देंगे ना तो अपने आप समझ जाएंगे वहां पर सीट्स होंगी या नहीं। जैसे झारखंड भी एक सदनीय, यहाँ पर 81 सीट्स है लोअर हाउस में। दिल्ली में भी एक सदनीय है, तो यहाँ पर 70 सीट्स है लोअर हाउस में। उत्तराखंड भी एक सदनीय, यहाँ पर 70 सीट्स है लोअर हाउस में। हिमाचल प्रदेश भी एक सदनीय है, 68 सीट्स लोअर हाउस में है। तो अगर नहीं भी यहाँ पर मेंशन किया गया तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली ये बता रहा है आपको कि यहाँ पर एक सदन है, मतलब लोअर हाउस की यहाँ पर बात की गई वहां पर ही सीटें हैं, इसका मतलब अपर हाउस वहां पर है ही नहीं, तो सीटों की बात कहां से आ गई। अरुणाचल प्रदेश भी एक सदन है, तो लोअर हाउस में 60 सीट्स है। मणिपुर में भी एक सदनी है, वहां पर भी 60 सीट्स है लोअर हाउस में। नागालैंड, मेघालय, यहाँ पर भी एक सदनी है, वहां पर भी 60 सीट्स जो है लोअर हाउस में हो जाती है। ठीक है, उड़ीसा में देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, उड़ीसा में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक सदनी है, वहाँ पर 147 सीट्स है लोअर हाउस में। ठीक है, ये इसका अपर हाउस है, यहाँ पर है ही नहीं। केरला में भी एक सदनी है, 140 सीट्स है लोअर हाउस में। असम भी एक सदनी, 126 सीट्स है। तेलंगाना देखेंगे आप बेसिकली तो यहाँ पर दो सदनी, 119 सीट्स है लोअर हाउस में, अपर हाउस में 40 सीट्स है, टोटल 159 सीट्स है।
इसके बाद इन दोनों में देखिए 179 सीट्स है, यहाँ पर 117 है, यहाँ पर 90 सीट्स है लोअर हाउस में। इसमें त्रिपुरा भी 179 है, गोवा भी 179 है, ये सब देखिए 179 है। गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम, इनकी सीट्स का वर्णन यहाँ पर दिया गया, इसलिए यहाँ पर दूसरे सदन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर अपर हाउस की बात की नहीं गई, यहाँ पर हाउस है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सीट्स रिजर्व फॉर एससीज एसटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज 2019। देखिए इसमें क्या पूछा, बताया गया कि विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी, किस प्रदेश में कितनी है, किस राज्य में कितनी है, ये यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें है ना। जैसे आप देखते हैं इसमें नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, टोटल कितनी सीट्स है वहां पर, या किसकी बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में कितनी टोटल सीट्स है यहाँ पर, और एससी के लिए और एसटी के लिए वहां पर कितनी सीट रिजर्व की गई है। आंध्र प्रदेश में 175 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, जिसमें 29 एससी के, 7 एसटी के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट्स है यहाँ पर, 0 एससी के लिए, 59 एसटी के। असम में 126 है यहाँ पर, वहाँ पर 8 एससी के लिए और 16 जो है एसटी के लिए है। बिहार में देखिए 243 सीट्स है टोटल विधानसभा में, और इसके बाद 38 सीट्स जो है वो एससी के लिए है और 2 सीट्स जो है एसटी के लिए। वहीं गोवा में 40 सीट्स है, इसमें 1 जो है एससी के लिए, 0 एसटी के लिए है। वहीं आप देखते हैं कि हरियाणा में जो है 90 सीट है, इसमें 17 सीटें एससी के लिए और 0 सीट यहाँ पर एसटी के लिए है। वहीं यहाँ पर और भी जैसे नाम दिए गए हैं, अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पर एसटी के लिए भी काफी सीट है, विधानसभा 233 टोटल है, 35 एससी के लिए तो 47 एसटी के लिए है। मेघालय में देखिए 60 सीट है टोटल, 0 किसके, एससी के लिए, 55 जो है, देखिए यहाँ पर एक भी सीट नहीं है मेघालय में एससी के लिए, लेकिन एसटी के लिए देखिए 55 सीट यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा। मिजोरम में 40 सीट है एससी के लिए, 0 सीट है। वहीं आप देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे देती हूँ, एसटीज के लिए यहाँ पर कितनी सीट्स है, किसकी बात कर रही हूँ, मिजोरम में यहाँ पर 38 सीट्स है। वहीं पर यहाँ पर नागालैंड में 60 सीट्स है टोटल, एससीज के लिए एक भी नहीं, एसटीज के लिए 59 है। यहाँ पर उड़ीसा में 47 सीट्स है, 24 जो है एससीज के लिए है और एसटीज के लिए यहाँ पर 33 सीट्स है। पंजाब में 117 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहीं पर 34 सीट्स इनके पास एससीज के लिए, एसटीज के लिए जो है यहाँ पर जैसे हम देखेंगे पंजाब के लिए, पंजाब में एक भी सीट नहीं है। वहीं आप देखिए तमिलनाडु में 234 सीट्स है, इसमें 44 एससीज के लिए है और एसटीज के लिए यहाँ पर 12 है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिए अगर आप मान लीजिए मैं नहीं भी रीड आउट कर रही हूँ उसको, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है या जैसे कि आप हर चीज तो देखिए हम छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकते ना, तो आप इसको पढ़ लेंगे, तो अगर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं ना। तो अब क्या है, देखिए ज्यादा समय आप देना नहीं चाहते, आप चाहते कि कम वीडियो में हमें अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले, तो हम यहाँ पर मोटी मोटी चीजें आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं उसको। जैसे त्रिपुरा में 60 सीट्स है, 10 एसटीज के लिए, एससीज के लिए है वहां पर 20 इनके एसटीज के लिए है। उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं, 13 एससीज के लिए है उत्तराखंड में, और यहां पर 2 सीट्स जो एसटीज के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए 403 सीट्स है, 85 किसके लिए है, एससीज के लिए है, जबकि आप देखेंगे कि एसटीज के लिए यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। यूपी पीसीएस आने वाला है, तैयारी कर रहे हैं तो समझ पाएंगे। वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स है टोटल, 68 जो एससीज के लिए है और इसके बाद 16 सीट्स यहाँ पर एसटीज के लिए। दिल्ली में 70 है, 12 एससीज के लिए, 0 एसटीज के लिए। यहाँ पर पुडुचेरी में भी, और देखेंगे लास्ट में जो पुडुचेरी है, इन सब में एसटीज के लिए कोई सीट्स नहीं, पुडुचेरी जम्मू कश्मीर में एसटीज के लिए कोई सीट नहीं है। हो गया, अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए साथ में अगर नहीं किया है तो। अब हम देखते हैं यहाँ पर किसके बात की जा रही है कि प्रथम लोकसभा से लेकर अभी तक जितनी भी लोकसभाएं बनी हैं उनकी ड्यूरेशन यहाँ पर दी गई, कब कब कौन सी लोकसभा बनी। तो बेसिकली हम यहाँ पर मोटी मोटी स्टार्टिंग के जैसे 4-5 देखेंगे और एंड में जो अभी लेटेस्ट में है उनके बारे में देखेंगे। देखिए सारी चीजों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसी पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है, बहुत मैटर करता है इस एग्जाम्स में। जैसे देखिए लोकसभा ड्यूरेशन रिमार्क्स, मतलब इसके विशेष में क्या क्या, कब से कब तक करा, क्या कितना कार्यकाल रहा, वो सब चीजें। जैसे फर्स्ट हमारी लोकसभा का ड्यूरेशन क्या था, 1952 से 57, और ये हुई थी 38 दिन से पहले ही इसका कार्यकाल जो है विघटित हो गया था। ठीक है, 38 दिन पहले ही विघटित हो गई थी। सेकेंड जो हमारा लोकसभा थी उसकी अवधि क्या था, 1957 से 62 तक का था। इसमें भी वही देखिए कि अपना कार्यकाल पूरा करने के 40 दिन के बाद, ठीक है सॉरी 40 दिन के पहले ही विघटित हो गई थी, डिसॉल्व 40 डेज बिफोर एक्सपायर हो गई थी। थर्ड आप देखेंगे इसमें 1962 से 67 के बीच में थी, डिसॉल्व 44 डेज बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट टर्म्स। ठीक है, फोर्थ देखेंगे 1967 से 70 के बीच में, डिसॉल्व 1 ईयर एंड 79 डेज बिफोर एक्सपायर ऑफ इट टर्म्स, दैट मीन्स
1984 में क्या हुआ था लोकसभा में कि अपना कार्यकाल जो है वो अपने कार्यकाल से एक साल 89 डेज पहले ही विघटित हो गई थी यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिफ्थ देखते हैं 1971 से 77 के बीच में। देखिए ये सब जो ईयर आ रहे हैं ना इसके बीच में आप देखेंगे कि कोई ऐसी पंचवर्षीय योजना या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो उसको भी आप साथ साथ में पढ़ते जाइए तो रिवीजन होता जाएगा आपका चीजों को लेकर, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद टर्म्स ऑफ द लोकसभा वॉज एक्सटेंड टू टाइम्स वाई वन, टू टाइम्स वाई वन ईयर एट अ टाइम। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था फिफ्थ में, फिफ्थ लोकसभा में, कि इसका कार्यकाल एक एक साल के लिए करके दो बार बढ़ाया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा 5 वर्ष 10 माह मतलब 10 months and 6 days की अवधि के बाद ये विघटित हो गई थी, वही चीज यहाँ पर दी गई है। चलिए अब हम देखिए इसमें कौन सा कह रहा है कि जैसे हमने टॉप फाइव के बारे में पढ़ लिया कौन कौन सी कब कब हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, जैसे हम देखेंगे कि इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज और थी, देखिए क्या ध्यान देना था हमें, यहाँ पर स्पीकर्स भी दी गए। चलिए हमने एक ड्यूरेशन पढ़ लिया कि इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, अब ध्यान देना है कि जैसे फर्स्ट लोकसभा जो थी उनके स्पीकर कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर और ए एम आयंगर थे जो उनके ये ड्यूरेशन दिया गया, इस समय तक वो वहां पर जो है अध्यक्ष रहे थे, लोकसभा स्पीकर रहे थे। सेकंड का देखेंगे कौन था स्पीकर, वहां पर एम ए आयंगर थे, उनका जो कार्यकाल था अध्यक्षता का वो यहां पर रहा था इतने वर्ष तक। हुकुम सिंह का थर्ड में थे, अध्यक्षता की थी लोकसभा 1962 से 67 तक। फोर्थ में आप देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी ने 1967 से 67 तक 69 तक लोकसभा के स्पीकर है, वहीं पर उनका उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बाद गुरुदयाल सिंह ढिल्लन ने जो है वो 1969 से 71 तक वहां पर अध्यक्षता की। फिफ्थ में देखेंगे आप गुरुदयाल सिंह ढिल्लन थे, उन्होंने सेम वही चीज उनके आगे यहाँ पर कंटिन्यू है 1971 से 75 तक उन्होंने यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष है, फिर इसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। फाइव बहाली राम भगत ने जो 1976 से 77 के बीच में जो है यहाँ पर अध्यक्षता की थी, क्लियर है। देखिए अब हम यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, अब वापस में हम यहाँ टोटल कितने जो है अभी तक हो चुकी हैं, यहाँ पर देखेंगे 17वीं लोकसभा तक गठन हो चुका है ना, तो अब यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसके बारे में जैसे 14 क्या है, 14 में क्या है 2004 से 9 के बीच में रखी गई थी, इसमें इसका कुछ विशेष यहाँ पर दिया नहीं है। तो सोमनाथ चटर्जी ने यहाँ पर अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष 2004 से 9 के बीच में। 15 में देखेंगे 2009 से 14 के बीच में था, इनमें जो था मीना कुमारी जो थी उन्होंने यहाँ पर स्पीकर थी 2009 से 14 से लेके वो स्पीकर रही थी लोकसभा की। 16 देखेंगे कब हुई थी 2014 से 19 के बीच में, सुमित्रा महाजन जो थी वो यहाँ पर स्पीकर थी लोकसभा की 2014 से 19 के बीच उन्होंने कार्यकाल संभाला। 17 जो अभी चल रही है 2019 में जो गठित हुई थी लोकसभा वो यहाँ पर क्या है कंटिन्यू चल रही है, ओम बिरला जो है अभी उनके जो है अध्यक्ष है लोकसभा के 2019 से टिल कंटिन्यू जो है अभी चल रही है, ठीक है। ये रही इसमें यहाँ पर चीजें। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभागीय यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पर जो विभागीय स्थायी है स्थायी समितियां हैं उनके विभाग और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए लोकसभा वगैरह पे जो है कारोबार बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कुछ अलग से समितियां बनाई जाती हैं, उसमें एक दो समितियां बनाई जाती है जिसमें स्थायी समिति इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो स्थायी है, तो उन समितियों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि राज्यसभा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां विभाग आते हैं, लोकसभा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां विभाग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कमेटीज अंडर राज्यसभा, यहाँ पर राज्यसभा के अंतर्गत जो समितियां दी गई उनके बारे में बात की गई, जैसे कमेटी ऑन कॉमर्स यानी कि वाणिज्य समिति के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय वगैरह विभाग आएंगे। देखिए लिखा है ना मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स कवर्ड यहाँ पर किए गए, जैसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आएगा, वाणिज्य एवं उद्योग आएगा, ठीक है। चलिए फिर कमेटी ऑन होम अफेयर्स जो है वो गृह मामलों की समिति, गृह मंत्रालय डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आता है, ये मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास समिति, मानव संसाधन यहाँ पर क्या लिखा है मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल और महिला विकास मंत्रालय के जो अंतर्गत आता है, ठीक है, ये जो इसके अंतर्गत आते हैं। कमेटी ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज को लेकर, उद्योग समिति को लेकर, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड आप समिति देखेंगे तो यहाँ पर अंतरिक्ष भू विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इत्यादि चीजों को जो है ये मंत्रालय विभाग है, उस समिति का नाम यहाँ पर ये दिया गया है। कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर की बात करें अगर हम, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की, तो इसमें नागरिक उड्डयन देखिए लिखा है ना, सिविल एविएशन, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, शिपिंग एंड कल्चर एंड टूरिज्म इसमें आता है। वहीं आप हम देखें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण यहाँ पर दिया गया है। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी के साथ साथ आप यहाँ पर देखें यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष वगैरह यहाँ पर मंत्रालय आते हैं, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर हो गए सारे राज्य में राज्यसभा के अंतर्गत समितियां, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कमेटी ऑन एग्रीकल्चर,
तो इसमें क्या कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, देखिए हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, ये सब चीजें इसमें आती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति के अंतर्गत आप देखेंगे संचार मतलब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसारण यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह दिया गया है। डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, कमेटी ऑन एनर्जी मतलब ऊर्जा समिति में क्या क्या देखेंगे, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज पावर हो गए। एक्सटर्नल अफेयर्स में एक्सटर्नल अफेयर्स ही आएंगे आपके ना, विदेश मंत्रालय, विदेश मामलों की समिति के अंदर क्या आएगा, विदेश मंत्रालय ही। ठीक है, यहाँ पर वित्त समिति की बात, फाइनेंस, कॉपरेटिव अफेयर, प्लानिंग्स, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन इत्यादि आएगा। कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, खाद्य उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण में उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए श्रम समिति के अंतर्गत क्या आएगा, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्सटाइल्स आएंगे। ठीक है, इसमें पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस के अंतर्गत, समिति के अंतर्गत क्या आएगा यहाँ पर, वही सीधी सी बात है, पेट्रोलियम ही आएगा, पेट्रोलियम नेचुरल गैस आएगा। ठीक है, विभाग आएगा इसके अंतर्गत। कमेटी ऑन रेलवेज में रेलवे विभाग आएगा। इसके बाद देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट में हाउस एंड अर्बन एरिया अफेयर्स आएंगे। वही कमेटी ऑन वाटर सोर्सेज में जल शक्ति विभाग आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज आएगा इसमें विभाग। कोल एंड स्टील में कोल माइंस एंड स्टील्स इसमें आते हैं। यहाँ पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटीज अफेयर्स इसमें आएंगे। दैट मीन्स इसमें सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय मामले और माइनॉरिटीज की बात करें ना, अल्पसंख्यक मामले भी इसी में आएंगे भाई, है ना। यहाँ पर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात की गई है समिति की। चलिए ये तो रहे इसके नाम, अब देखते हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र, उनके नाम क्या क्या है, उनके न्यायिक क्षेत्र क्या क्या है हाई कोर्ट्स के, उनके नाम क्या क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरह से समझेंगे कि भाई इसमें जैसे मद्रास हो गया, तो मद्रास में जो हाई कोर्ट है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था, यहाँ पर देखिए 1862 में हुआ था। ठीक है, 1862 में हुआ था। अब यहाँ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब उसका न्यायिक क्षेत्र कौन कौन से है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, उसकी सीट जो है वो चेन्नई में है, इसकी जो बेंच यानी कि सीट है वो चेन्नई में। बॉम्बे में जो हाई कोर्ट बनाया था 1862 में बना, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव उसके क्या है न्यायिक क्षेत्र है, किसके, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र ये हैं। उसकी बेंचेस मुंबई में है, वहाँ की जो उसकी खंडपीठ है वो नागपुर पणजी, और इसके बाद यहाँ पर औरंगाबाद में उसके खंडपीठ है। ठीक है, इसके बाद देखिए कलकत्ता के बारे में दिया, 1862 में एस्टेब्लिश हुआ था वो, कब बना था हाई कोर्ट। ठीक है, वहां पर इलाहाबाद में 1866 में उत्तर प्रदेश में इसका न्यायिक क्षेत्र है, इलाहाबाद जो है इसका सीट है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे इसके जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है, समझ रहे हैं ना, इसकी जो बेंच है वो लखनऊ में है। इसके बाद पंजाब हरियाणा में 1875 में हाईकोर्ट बना, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, भाई ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो इनके न्यायिक क्षेत्र ये होंगे, चंडीगढ़ में उसकी सीट है। वहीं आप देखते हैं पटना 1916 में बिहार इसका न्यायिक क्षेत्र और पटना में इसकी सीट है। जम्मू एंड कश्मीर में 1928 में हाईकोर्ट बना, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इसका न्यायिक क्षेत्र, श्रीनगर और इसकी सीट है यहाँ पर। इसके बाद राजस्थान में देखिए 1949 में राजस्थान में जोधपुर में इसकी सीट और बेंच एट जयपुर में है, तो इसकी जो जयपुर में क्या है खंडपीठ है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश देखते हैं 1956 में मध्य प्रदेश इसका जो है न्यायिक क्षेत्र है, जबलपुर, बेंचेस एट ग्वालियर एंड इंदौर की बात करता है। दिल्ली में 1966 में हाईकोर्ट बना, दिल्ली इसका न्यायिक क्षेत्र और दिल्ली में ही इसकी सीट है। यहीं पर आप देखते हैं कि उत्तराखंड में देखिए 2000 में बना, उत्तराखंड इसका न्यायिक क्षेत्र, नैनीताल इसकी क्या है सीट है। बाकी के बारे में भी यहाँ पर मेंशन आप चाहें तो देख सकते हैं, उनको स्क्रीनशॉट लेके हम जो है जो इम्पोर्टेंट है या जो जरूरी है उनके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेघालय हो गया 2013 में, मना हाईकोर्ट मेघालय जो है उसका न्यायिक क्षेत्र हो गया, शिलांग में क्या है उसकी सीट है। आंध्र प्रदेश लास्ट में देखते हैं 2019 में यहाँ पर हाईकोर्ट बना, इसके बाद आंध्र प्रदेश जो है उसका न्यायिक क्षेत्र है, जो ये सुप्रीम हाईकोर्ट है। ठीक है, उसका अमरावती जो है उसकी सीट है वहां पर। क्लियर हो रहा है, चलिए देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज एंड देयर इलेक्शन सिंबल्स। देखिए अब भाई सीधी सी बात है, चुनाव होंगे, राष्ट्रीय दल बने हैं तो उनके कुछ सिंबल्स भी होंगे, हम कैसे इलेक्शन में वोट डालेंगे भाई, किसी ना किसी का तो कोई सिंबल होगा ना कि ये सिंबल इसका है तो हमें इस व्यक्ति या इस दल को वोट देना है, ये सिंबल इसका तो हमें इसको वोट देना है। तो सिंबल्स के थ्रू तो हम पहचानेंगे भाई ये व्यक्ति जो है इसका सिंबल ये है दल का, तो ये ऐसा काम करता है तो हमें इस दल को देना है, तो उसके लिए सिंबल्स बनाए गए हैं, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, हम उनके बारे में देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी, इनके फाउंडेशन ईयर क्या था 1984 में बनी। ठीक है, इनके फाउंडर कौन थे मतलब संस्थापक कौन थे, कांशीराम थे इनके संस्थापक। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, नेशनल प्रेसिडेंट कुमारी मायावती हैं, और एलिफेंट इनका सिंबल है।
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड लाल के आडवाणी जो है वो इनके संस्थापक रहे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा, ठीक है। इसके बाद लोटस इनका जो है वो कमल है, चुनाव चिन्ह इनका। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई 1925 में गठित हुई, मानवेंद्र नाथ राय जो है वो इनके संस्थापक है, डी राजा जो है वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हसिया और बाली जो है इनका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करता है, 1964 में बनी, एम एन रॉय हो गए, ठीक है, मजूमदार हो गए, अवनी मुखर्जी हो गए, एवेलिन वगैरह हो गए, मोहम्मद अली हो गए, मोहम्मद सिद्दीकी हो गए, ये सब कौन थे, उनके संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की, संस्थापक थे इनके, ठीक है। वहीं पर सीताराम येचुरी जो आप देखेंगे ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फिर इसके बाद हथौड़ा हो गया और हसिया हो गया और तारा हो गया, ये सब इनके जो है सिंबल्स है, पॉलिटिकल सिंबल है, इनके जो चुनाव चिन्ह है बेसिकली इनके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC हो गया, 1885 में गठित की गई, होम इनके संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम थी, दादाभाई नौरोजी हो गए। फिर इसके बाद दिनशा बाचा भी इसमें संस्थापक थे, सोनिया गांधी इनकी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, इनकी हैंड यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल जो है क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है AITC जो है वो 1998 में इनकी जो है वो दल का नाम इनका गठित हुआ, इनकी स्थापना वर्ष हुई 1998 में, ममता बनर्जी जो है वो इनकी क्या है संस्थापक है, इसके बाद ममता बनर्जी जो है वो इनके अध्यक्ष है। राष्ट्रीय ग्रास एंड द ट्विन फ्लावर दैट मीन्स यहाँ पर क्या फूल और घास की बात यहाँ पर इनका जो है चुनाव चिन्ह है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए इसके बाद देखिए NPP यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है 2013 में गठित हुई, PA संगमा जो है वो इनके संस्थापक हैं और जो कॉनराड संगमा है वो इनके अध्यक्ष है, और किताब जो पुस्तक है इनका चुनाव चिन्ह है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए देखिए अब आता है हमारा नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर टेन्योर, इनका जो कार्यकाल है इन तीनों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पर उनके टेन्योर की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो है ही जरूरी कि किसने कब तक का कार्यकाल संभाला, टॉप फाइव और बॉटम फाइव के जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि इसी तरह से पूछ लेते कि इसमें देखिए चार पांच नाम दे दिया गया तो इसमें इनका कार्यकाल कब से कब तक था, इनका कार्यकाल, तो अधिकतर जो जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते रहे हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। तो पहले हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान लेते। देखिए पहले प्रेसिडेंट के बारे में एक दो चीजें मोटी मोटी क्या है कि देखिए प्रेसिडेंट जो होता है हमारे भारत का जो फर्स्ट सिटीजन होता है उसको हम प्रथम नागरिक भी कहते हैं होता है वो, ये राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र की एकता अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक भी होता है। वही देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, वही 53 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का अपनी कार्यपालिका के संबंध में जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, यहाँ पर 53 में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका निर्वाचन जो आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है किसका, यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ ना, है उसके निर्वाचन की जो रीति है आर्टिकल 55 में आता है, किस तरह से उनका निर्वाचन होता है, ये सब चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। वहीं हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल नहीं होते। जैसे एक छोटी सी चीज हम देखें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों के मनोनीत जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के से मनोनीत सदस्य जो है वो इसमें शामिल राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य विधान परिषदों में के जो निर्वाचित मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। और इसमें क्या लिखा है, फिर शामिल कौन होता है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पर शामिल होते हैं। वही मोटी मोटी चीजें याद रखनी, जैसे कि इनका महाभियोग की शक्ति जो है, महाभियोग किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 61 में आता है, ये सब मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, मैं इन चीजों को सिर्फ रिपीट ताकि आपको रिकॉल हो सके चीजें जब आप ये पढ़ रहे हैं, ये सब मैंने आपको आर्टिकल्स के अंदर अच्छे से डिफाइन किया है, आप जाके वहां से देखेंगे तो आप बेहतर और समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि नेम एंड टेन्योर, उनका कार्यकाल कब से कब तक का था, किसकी बात कर रहा है अभी यहाँ पर, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। देखिए देखते जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल टेन्योर कब से कब तक का था, 1950 से 1962 के बीच में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कब से कब तक था, 1962 से 1967 के बीच में। जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1967 से 1969, फिर वो उनकी मृत्यु हो गई। इसका देखेंगे 1969 में, फिर यहाँ पर
वराहगिरी जो है यानी कि वराहगिरी वेंकट गिरी है, उन्होंने कार्यवाहक जो एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति की के रूप में कार्यभार संभाला 1969 में। वहीं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जो आपने पढ़ा है हिदायतुल्ला, ठीक है, 1969 में इन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो है कार्यभार संभाला। इसके बाद ये दोनों हो गए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन है, फरुखुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है 1974 से 77 तक का। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वीडी जट्टी का 1977 में क्यों रहा, इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद इनको यहाँ पर राष्ट्रपति चुना गया और यहाँ पर ये जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह है, वो 1982 से 87 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। वहीं डॉक्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने 1992 से 1997 तक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर 2002 से 2007 तक का जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, उनका टेन्योर था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का 2007 से 2012 का, प्रणब मुखर्जी का 2012 से 2017 के बीच का उनका टेन्योर रहा था। वहीं रामनाथ कोविंद का भी जो आप देख रहे हैं ये 14वें हमारे जो है वो राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पर क्या है कि ये 2017 से अब तक जो है राष्ट्रपति पद पर चयनित है अभी, है ना। चलिए अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो रहे थे उनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा था, उनको देखते हैं। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 के बीच में, डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1962 से 67 के बीच में। वहीं आप देखेंगे वाराहगिरी वेंकट गिरी का 1967 से 69 के बीच में, गोपाल स्वरूप पाठक का 1969 से 74 के बीच में, इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे ये। बी डी जट्टी 1974 से 79 के बीच में। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का 1987 से 1992 के बीच में। वहीं आप देखते हैं कि जो अभी अगर हम यहाँ पर देखें कि मोहम्मद अहमद अंसारी 2007 से 2012 के बीच में इनका टेन्योर रहा है, किस के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, है ना। यहाँ पर मोहम्मद अहमद अंसारी 2012 से 17 के बीच में रहा है। इसके बाद देखें आर के जो वो कौन है, वेंकट रमन है, यहाँ पर 84 से 87 के बीच में, यहाँ पर स्क्रॉल करना भूल गई थी, यहाँ पर 6 के बाद देखिए आर के जो वेंकट रमन है उनका 84 से 87 के बीच में उनका कार्यकाल रहा है। वहीं अब देखते हैं जो वर्तमान में अभी क्या है, जो 13वें उपराष्ट्रपति है कौन है, वो वेंकैया नायडू है। 2017 से अब तक उनका कार्यकाल चल रहा है, उनका टेन्योर चल रहा है एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अब सेम वही चीज है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया जितने भी अब तक रहे स्वतंत्रता के बाद से भारत की, वो कब कौन से थे स्टार्टिंग में, अभी वर्तमान में कौन है, और अभी तक बीच बीच में कौन है, उनका टेन्योर क्या रहा। जैसे जवाहरलाल नेहरू का 1947 से 64 के बीच में, फिर उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर किसने संभाला, गुलजारी लाल नंदा ने 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला। लाल बहादुर शास्त्री तीसरे प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के 1964 से 66 के बीच में रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। वहीं 1966 में देखिए एक्टिंग किसकी पीएम की बात करें, यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया, गुलजारी लाल नंदा को। इंदिरा गांधी 1966 से 67 में, मोरारजी देसाई 1977 से 79 के बीच में। इंदिरा गांधी फिर यहाँ पर वापस से देखिए एक बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1980 से 84 तक ये प्रधानमंत्री रहे, फिर इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजीव गांधी फिर आए 1984 से 89 के बीच में, वो प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कौन है, और देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो 1991 से 1986 के बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से में ही यहाँ पर जो है 16 दिन के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे थे। सिविनी के बारे में देखिए ऐसा लिखा है कि 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन बना था, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर कौन है, इंद्र कुमार गुजराल हो गए, आई के गुजराल हो गए 1997 से एक साल के लिए देखिए प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1990 में ये प्रधानमंत्री बने। वही अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर भी 1999 से 2004 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 9 के बीच में इनका टेन्योर था। मनमोहन सिंह ने देखिए दो बार यहाँ पर 2009 से फिर 14 तक का था। नरेंद्र मोदी का भी सेम है 2014 से 19, फिर 19 से लेकर अब तक इनका जो है कार्यभार संभाल रहे हैं एज अ प्रधानमंत्री, एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्लियर हो रहा है। चलिए अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि यहाँ पर भारत के उप प्रधानमंत्री, है ना। तो उप प्रधानमंत्री में देखिए दो तीन ही है, हम इसको देख सकते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल कब तक था, ये था। मोरारजी देसाई का ये था, ठीक है। ये वाई वी चावन का यहाँ पर ये कार्यकाल था। एल के अडवाणी का 2002 से 2004 तक का ये कार्यकाल था इनका यहाँ पर उप प्रधानमंत्री के रूप में। स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कब से कब तक करा है, कौन कब से कब तक करा है अब तक, वो देखना है। देखिए उससे पहले एक चीज समझिए कि जो लोकसभा के जो ऑफिसर्स
ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा है, यानी कि जो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो किस आर्टिकल में आते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के बारे में बता रहा है। इसके बाद अध्यक्ष और यानी कि उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, और इन दोनों के अलावा एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन भी करते हैं, ठीक है। वहीं देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, वहीं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, उसको वहां पर स्पीकर चुना जाता है, ठीक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद जो खाली होता है तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। भाई ऑब्वियसली उपाध्यक्ष क्यों चुना गया है, ठीक है। ये सब दी अध्यक्ष के पास पावर्स क्या क्या होती है, जैसे इसका पहला कार्य क्या है, बैठकों का संचालन करना है, कार्रवाई को व्यवस्थित करना, नियंत्रित करना, अगर मतभेद की कोई कंडीशन आती है, डिस्प्यूट होता है तो उसमें अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, कोई भी विधेयक जैसे धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वही दोनों हाउसेज में, अपर और लोअर हाउसेज में, किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में संसद की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा करता है। इससे डायरेक्ट स्टेटमेंट बनता है कि लोकसभा के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बोल दिया जाता है कि वो ज्वाइंट सेटिंग की जो है वो अध्यक्षता करता है या नहीं। तो बहुत बार हम सोचते हैं अरे वो तो क्यों करेगा, लेकिन वो करता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और फिर इसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पर किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अगर इक्वल वोट्स डाले जाते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, अपना निर्णय निर्णायक मत दे सकता है। इससे क्या होता है कि निर्णय उसका जल्दी निकल आता है। यहाँ लोकसभा स्पीकर यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी टाइम पीरियड के लिए बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हैं वो हम देखेंगे इसमें कौन है, ओम बिरला जी हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें स्टार्टिंग में कौन था और अब वर्तमान में कौन है। जैसे गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो 1952 से 1956 के बीच में लोकसभा स्पीकर रहे। इसके बाद देखेंगे एम ए आयंगर है 1956 से 62 के बीच में रहे। नीलम संजीव रेड्डी के 1967 से 69, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे बालीराम जो भगत है 1976 से 1970 तक इन्होंने अध्यक्ष रहे, लोकसभा के स्पीकर रहे। बलराम जाकर जो 1980 से 1989 के बीच में रहे। फिर हम देखते हैं रवि राय जो है 1989 से 1991 तक रहे। फिर हम वर्तमान में अगर देखिए, फिर यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा आगे पीछे की ईयर्स में, तो जो मीरा कुमारी जी थी उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था 2009 से 14 के बीच में रहा था, ठीक है, श्रीमती मीरा कुमारी जी का। फिर हम देखते हैं ओम बिरला का, यहाँ पर सुमित्रा महाजन का कार्यकाल 2014 से 19 के बीच में रहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ओम बिरला जी जो वर्तमान में 2019 से अभी तक ये है लोकसभा के स्पीकर बने हुए हैं। क्लियर हो रहा है, चलिए। और यहाँ पर ये कितने कौन से नंबर के हैं, 17वें नंबर के जो है वो लोकसभा स्पीकर है यहाँ पर। क्लियर हो गया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर रहा है कि कब से कौन रहा है कौन नहीं रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है। बेसिकली जस्टिस में देखेंगे हरिलाल जे कानिया जो हो गए उनका 1950 से 1951 के बीच का कार्यकाल रहा था, ठीक है। एम पतंजलि शास्त्री का 1951 से 1954 के बीच में उनका टेन्योर रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो जब रहे थे, ठीक है। इसके बाद एम सी महाजन का देखें 1954 में ही इनका जो है कार्यकाल आता एज अ चीफ जस्टिस। इसका बीके मुखर्जी का, इनका किसका, बीके मुखर्जी का यहां पर होगा 1954 से 56 में उनका गार्टन है और रहा था। एस आर दास का 1956 से 59 के बीच में था, ठीक है। ये सारी काफी लिस्ट दी गई है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर रंगनाथन मिश्रा जो है 1900 से 1991 के बीच में इनका कार्यकाल जो टेन्योरशिप था वो रहा था, ठीक है। अभी तक टोटल देखिए 48 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो अब लेटेस्ट पे भी हम ध्यान देते हैं, जैसे एम एम पुंछी हो गए 1998 से 1998 में ही जो है इनका एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कुछ मिसिंग है उसको मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर वी एन खरे थे 2002 से 2004 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है, 2002 से 2004 के बीच में इनका कार्यकाल। डॉक्टर एस राजेंद्र बाबू जी का 2004 में ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं नीचे थोड़ा आते हैं कि आर एम लोढ़ा जो है, जो 41 पोजीशन पे आर एम लोढ़ा, इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, इनका कार्यकाल था 2014 में ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। एच एल दत्तू का आप देखेंगे तो यहाँ पर 2014 से 15 के बीच जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इसके बाद दीपक मिश्रा जी का आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2017 से 2018 के बीच में यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। रंजन गोगोई का देखेंगे 2018 से 19 के बीच में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। एंड में क्या है, जो हमारे श्री एन वी रमन है वो 48th जो है वो कौन है,
यहाँ पर देखिए किसकी, यहाँ पर देखिए 40, देखिए यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये 47th जो वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कौन से नंबर के 47th थे हमारे, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। एस ए बोबड़े जो है, यानी कि शरद अरविंद बोबड़े हैं, उन्होंने 2019 से 2 अप्रैल 2021 तक कार्यकाल संभाला था यहाँ पर। वहीं 48वें नंबर पर जो हमारे अभी वर्तमान में है श्री MN NV रमन जो है 48 जो नंबर के वो है CGI है हमारे इंडिया में। तो कब इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था, 2 अप्रैल 2021 से 2 अगस्त तक, 2022 अगस्त तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। यहाँ पर देखिए ये चीज दी गई है ना।